खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार और दीगर भी शारिक थे। एजाज़ुल हक का कहना था कि तरीके लब्बैक और मरकज़ी मुस्लिम लीग से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। कि वो पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के बजाय पाकिस्तान को मसाइल के अंदर मजीद डाल दिया। मैं ये बात हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग हैं, जो जमहूरियत को पसंद करते हैं, जो देखना चाहते हैं कि जमहूरियत इस मुल्क के अंदर चले, अगर वो किसी चीज़ की मिसाल देते हैं ना, मैं समझता हूँ वो सबसे गलत मिसाल है। वो देते हैं चार्टर और डेमोक्रेसी की मिसाल। ये चार्टर और डेमोक्रेसी हो गया मुल्क के अंदर, तो जमहूरियत जो है ना, उसके लिए ये एक ऐसा मंबा हमने खड़ा कर दिया जिसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये लोगों को एहसास नहीं है कि ये जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उस दिन ही हमने नजरियाती सियासत को दफन कर दिया। तो उससे पहले ही जिनके साथ मुलाकात नहीं करनी थी उनके साथ अबू धाबी में बैठकर मुलाकातें भी हो रही थी, और फिर अंदरूनी ताकतें भी और बैरूनी ताकतों को भी इन्वॉल्व किया गया। यानी एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपनी किताब के अंदर ये लिखा कि मैं रात के 2-2 बजे तक पाकिस्तान के सदर को उठा देती थी और डायरेक्शन देते थे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने वाली जो दो जमातें थी, एक PMLN थी, एक पीपल्स पार्टी थी। तो अभी PMLN जो है वो बैठी उससे स्याही को खुश कर रही थी, तो दूसरी जमात जो थी पीपल्स पार्टी वो बैठकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, जहां उन्होंने कहा था कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इससे एक लोगों को ये तासर मिला कि यहाँ इस मुल्क के अंदर अब कोई नज़रियाती जमात नहीं है, कोई नज़रियाती सियासत नहीं, हर कोई मफादात की सियासत।